ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकवादी समूह मुख्यालय पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। सीमा के निकट बलूचिस्तान प्रांत के गांव में ये हमले हुए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि आतंकी ग्रुप जैश अल अदल के दो ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस पर भारतीय रक्षा विशेषज्ञ आर के सिंह ने क्या कहा, सुनिए। ये जैश अल अदल एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के सॉइल से ईरान के अगेंस्ट हमेशा से ऑपरेट करता रहा है। ईरान ने 2012-13 में भी इनके ठिकानों पे अटैक किया था, और अभी 10 दिन पहले आपको अगर याद होगा तो इसी संगठन ने ईरान के 10 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ईरान के पास अपने सॉवरेंटी को, अपने सिटीजन्स को, अपने फौज को सुरक्षित रखने के अधिकार हैं, और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने कल रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में उन ठिकानों को जहां ये जैश ए अदल के आतंकवादी छिपे थे या उनके घर थे, उस पर अटैक हुआ है। पाकिस्तान में हुए इस ईरानी हमले की क्या वजह है, उस पर भी रक्षा विशेषज्ञ ने खुलकर बात की। आतंकवादियों को पालता रहा है पाकिस्तान, अपने धरती का उपयोग करने की इजाज़त देता रहा है, उनको प्रशिक्षण देता रहा है पाकिस्तान। ये होना ही था एक दिन। पहले भी अमेरिका ने जब उस पर अटैक किया था, उन्होंने डिनाई करते रह गए कि हमारे यहाँ उसामा बिन लादिन नहीं है। अंतिम में उसामा बिन लादिन एबोटाबाद में मिले। तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए एक पनाहगाह है, और ईरान के पास पूरी आज़ादी है कि वो अपनी जवानों की और अपने नागरिक की सुरक्षा करे, और सुरक्षा के लिए उन्होंने कल रात को स्ट्राइक किया है। पाकिस्तानी को ये समझना चाहिए कि अगर वो आतंकवादियों का समर्थन करते रहेंगे, अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए, दूसरे देश में अटैक लॉन्च करने के लिए अगर इस्तेमाल करने की इजाज़त देते रहेंगे, तो उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।